भाभी जी कहाँ है ये बताइए मुझे। मीटिंग में है तो आप अपने मौजूदगी का एहसास दिलाइए, तभी तो हमें समझ में आएगा कि आप रियल में यहाँ पर हैं, इस मीटिंग में हैं, है कि नहीं है। ओके तो दोस्तों रेडी हो जाइए अपनी पूरी टीम के साथ, समय भी ऑलरेडी होते जा रहा है और पूरे भारत से लगभग 747 लोग आ चुके हैं, यानी 750 लोग आ चुके हैं। एक बार और जाकर के आप चेक करिए फटाफट दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालिए। यदि आपके पास में टेलीग्राम चैनल है तो वहां पर भी आप मैसेज डालो कि सर सुबह का मॉर्निंग सेशन शुरू हो चुका है, फास्ट ज्वाइन कीजिए, है ना। तो बार बार कहता हूं मैं, यदि आपकी टीम एजुकेशन नहीं ले रही है तो जितनी बड़ी सफलता आप हासिल किए हो उतनी बड़ी सफलता आपकी टीम के लोग हासिल नहीं कर पाएंगे। और हमारा बिजनेस एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और नीचे में दोस्तों सही डुप्लीकेशन नहीं होने की वजह से टीम में बड़ा अचीवमेंट नहीं हो पाता है, है ना। यानी जो एजुकेशन हमारे पास रहता है वो एजुकेशन हम लोग अपने नीचे में प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, अपने जैसा हूबहू डुप्लीकेट लीडर मतलब लीडर बन पाते हैं। वो कब बनते हैं दोस्तों, जब वो रेगुलर जूम पे आते हैं, अपलाइन के टच में रहते हैं, तब जाकर के दोस्तों सामने वाला हमारे जैसा हूबहू तो नहीं बन पाता है, लेकिन हमारे जैसा मतलब 50% से लेकर के 60% उसके अंदर लीडरशिप चला जाता है। तो दोस्तों ये तब होता है जब वो रेगुलर जूम पे आता है ना, अपलाइन के टच में रहता है। तो फटाफट बहुत सारे लीडर तो ऐसे भी हैं दोस्तों जो लोग अपने अपलाइन का कॉल रिसीव नहीं करते हैं। बताइए कुछ ऐसे भी बिजनेस पार्टनर हैं जो लोग स्क्रीनशॉट लेंगे अभी और ग्रुप में डालेंगे और गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों इससे हमारा बेनिफिट हमारा वाला नहीं है, आप खुद अपने पैर कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं जब एक ही बात कहता हूं कि जब भी ट्रेनिंग चले तो आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, एक एक शब्दों पर होना चाहिए, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप कॉपी में नोट करो, क्योंकि अभी तो यही काम करोगे जो हम काम कर रहे हैं, तो दूसरा काम तो करोगे नहीं। मैं कहता हूं ना दोस्तों कि विदाउट अ गुड लिसनर देयर इज अ नो गुड स्पीकर। बिना अच्छा श्रोता के आप एक अच्छा वक्ता नहीं बन सकते। जब तक सुनोगे नहीं तो आप किसी को सुना भी नहीं सकते, है कि नहीं। तो अच्छा वक्ता बनने के लिए दोस्तों अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। तो अच्छा श्रोता बनने के लिए दोस्तों आपको ध्यान से बातों को सुनना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं, है ना। आज ये बताइए, यदि मैं बाय द वे ट्रेनिंग के दौरान यदि मैं लापरवाही किया होता तो क्या मैं आज आपके सामने दो शब्द रख पाता गोस्ट पार्टनर। हेलो, यदि मैं मेरा आवाज आ रहा है सर? यस सर। तो दोस्तों आज हमारे बीच में जितने भी गोल्ड लीडर हैं, सिल्वर लीडर हैं, यदि आज ये लोग दो शब्द रख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन्होंने बातों को ध्यान से सुना होगा और इम्प्लीमेंट किए होंगे, तभी जाकर के दोस्तों आज ये लोग दो शब्द आपके बीच में रख पा रहा है। यदि आप भी चाहते हैं कि लोग मेरी बातों को भी ध्यान से सुने, मैं भी एक अच्छा वक्ता बनूं, मैं भी एक अच्छा बोलने वाला बनूं, और आपको पता है कि हमारे बिजनेस में दोस्तों शब्दों का बहुत बड़ा रोल है कि नहीं है, शब्दों का बहुत बड़ा रोल है। और ये शब्द आपके पास तब इकट्ठा होंगे दोस्तों जब आपके सामने में या आपके बीच कोई सीनियर बात करे तो उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं दोस्तों जब इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था तो मेरे को जूम पे बात करते नहीं बनता था, और नए नए शब्दों को मैं सीखने से मेरे को सम्मान नहीं कहते नहीं बनता था। मैं आपको रियल बताऊं, सम्मान कहते नहीं बनता था, त्रुटि बनता था। मैं देवेश शुक्ला सर की कुछ बातों को बड़ा नोटिस करता था, मैं नोट करता था और बार बार उसको रिपीट करता था। जैसे देवेश शुक्ला सर एक बात बोलते थे त्रुटि, ये मुझे नहीं बनता था दोस्त, लेकिन मैं उनको बार बार सुनता था और बार बार नोटिस करता था। जैसे सम्मान नहीं, ये भी मेरे को कहते नहीं बनता था। ये सब जूम में आने के बाद ये सब चीजें सीखे हम बहुत सारी चीजें दोस्तों। जब मैं शुरुआत किया था तो मेरे को ये सब चीजें नहीं बनता था, लेकिन मैं अपने अपलाइनर के द्वारा सीखता गया और आज देखिए कितना गजब का स्पीच मैं आप या मतलब स्पीच आपके सामने में दे पाता हूँ या बात कर पाता हूँ, अपने शब्दों को रख पाता हूँ। तो ये कंटिन्यू मीटिंग में आने का
एक एक चीजों को ध्यान से सुनने का नतीजा है दोस्तों। और आज उसी का रीजन है कि आज बिजनेस लगातार तेजी से ग्रोथ कर रही है। यदि आप भी चाहते हैं कि मैं भी अपने बिजनेस में तेजी से ग्रोथ करूं, तो आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। और ये बातों का बिजनेस है दोस्तों, शब्दों का बिजनेस है। जितना अच्छा आप शब्द रखोगे सामने वाले में, है ना, तो दोस्तों वो सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और जब आप सामने वाले के दिल को जीतोगे तो दोस्तों 100% वो सामने वाला आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति इस कंपनी में कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, वो आपको ज्वाइन करता है ना। तो आपका बात करने का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बिजनेस में। इसलिए दोस्तों ध्यान से किसी भी चीजों को ध्यान से सुनो। तो चलिए दोस्तों, आज समय ऑलरेडी हो चुका है, समय मुझे इजाजत नहीं दे रही है। अब मैं आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी, सम्मानी राम कुमार यादव सर, जो अपकमिंग गोल्ड है, अभी वर्तमान में सिल्वर है, बहुत जल्दी गोल्ड बनकर आने वाले हैं। लगभग 75% से लेकर 80% के बीच में सर का वर्क हो चुका है गोल्ड लेवल पे। और आप सभी लोगों के बीच में आज ट्रेनिंग कंटेक्ट करने वाले हैं, तो आप सभी लोग एक बार सर के स्वागत के लिए जरूर आप लोग हैंड रेस करिएगा। तो मैं बड़े मान और सम्मान के साथ सम्मानी राम कुमार यादव सर को बुलाना चाहूंगा। सर आप आइए और आगे का सेशन को आप कंटिन्यू कीजिए। सम्मानी राम कुमार सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इतने बड़े मंच में बड़े ही मान और सम्मान के साथ में इनवाइट किए, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका। और बाकी एक बार सर आप मुझे क्लियर कीजिएगा, क्या मेरी आवाज क्लियर आ पा रही है? हाँ जी, थैंक यू। चलिए डियर फ्रेंड्स, वाकई में बहुत ही शानदार और जबरदस्त अंदाज मुझे आज काफी दिनों बाद इस मॉर्निंग के सेशन में आज बात करने का मौका मिला। और वाकई में डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे लोगों के बीच में सीखने और सिखाने का मौका मिला, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, जाग भाई, आप सभी दोस्त, अगर आप सभी दोस्त सो रहे हैं तो सोना नहीं है, अपने बिस्तर में आप उठ जाइए। और आपने अगर अपने डिवाइस को आज की ट्रेनिंग में, आज के मॉर्निंग सेशन में, अगर अपने डिवाइस को आप हाथ में लेकर के बैठे हुए हैं या फिर अदरवाइज मतलब की जेब में लिए हुए हैं या फिर कहीं पे छोड़ दिए हैं, मैं आप सभी दोस्तों को एक बार मैं इस ट्राई करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आप अपने डिवाइस को अपने हाथों में रखिए। आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। वाकई में डियर फ्रेंड्स, आज की ट्रेनिंग में हम सभी दोस्तों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आज आप सभी दोस्तों के बीच में एक स्पेशल ट्रेनिंग में लेकर के आया हूँ, राइट। तो काफी शानदार, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे अपलायंस सर का, सम्मानी योगेश कुमार ध्रुवे सर का, कि सर आपने मुझे इतने बड़े मंच में बड़े ही मान और सम्मान के साथ में इन्वाइट किया, इसलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाकी डियर फ्रेंड्स, समय बहुत ज्यादा है, बहुत कम है हमारे पास में, और ट्रेनिंग की ओर भी जाना है, सेशन की ओर भी जाना है, और आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो हम डायरेक्टली डियर फ्रेंड्स, हम सेशन की ओर चलते हैं और मुलाकात करते हैं सेशन में, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, आ जाइए आप सभी दोस्त स्क्रीन में, जितने भी दोस्त हमारे यहाँ वहाँ पे भटक रहे हैं, तो मैं सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी दोस्त अपने डिवाइस को निकाल करके अपने हाथों पे लीजिए, अपने डिवाइस को निकाल करके अपने हाथों पे लीजिए डियर फ्रेंड्स। और आज की जो मीटिंग, आज का जो ट्रेनिंग होने वाला है, इसे आप प्रॉपर तरीके से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग है डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि वाई यू टैक, हाँ आज हम सीखने वाले हैं डियर फ्रेंड्स वाई यू टैक, यू टैक क्यों करें। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आज आपको एजुकेशन मिलने वाला है और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलने वाला है। तो मैं अपना पीपीटी ओपन करता हूँ डियर फ्रेंड्स, और आप सभी दोस्त आ जाइए। बाकी जैसे कि आप सभी दोस्तों को, सभी दोस्तों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए तो डियर फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को मैं सबसे पहले नमस्कार करना चाहूंगा, जितने भी हमारे यहाँ पे गुरुवार आए हैं उनका शरण वंदन करना चाहूंगा दिल से। बाकी वहां तक मैं पहुंच नहीं सकता हूँ क्योंकि डिजिटल तरीके से लोगों से मिल रहा हूँ। जितने भी मेरे गुरु एवं महागुरु हैं, गोल्ड अपलाइन और प्लेटिनम अपलाइन, डायमंड अपलाइन, कोहनूर अपलाइन, जितने भी मेरे अपलाइन से सभी दोस्त, सभी अपलाइनों को मैं शरण वंदन करना चाहूंगा, आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि एक नई शुरुआत कर रहा हूँ मैं। आप सभी दोस्तों के बीच में बात रखने का मुझे मौका मिला। और डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ राम कुमार यादव फ्रॉम मंडला एमपी बिलोंग करता हूँ मैं, और कुछ इस तरीके से दिखाई देता हूँ जैसे कि आप सभी दोस्तों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, राइट। डियर फ्रेंड्स, आज हम ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं और चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे डियर फ्रेंड्स बहुत कुछ इस ट्रेनिंग के अंदर में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डियर फ्रेंड्स आज की ट्रेनिंग में हम, कि व्हाई डू यू टेक बिजनेस, व्हाई डू यू टेक बिजनेस। आप सभी दोस्त समझिए, बाहर की दुनिया में डियर फ्रेंड्स पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। लोग नौकरियां करके भी पैसे कमाते हैं, लोग अपने पर्सनल बिजनेस करके भी पैसे कमाते हैं, लोग अलग अलग अदर अदर इंडस्ट्रीज में भी लोग वर्क करके पैसे कमाते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि यू टेक क्यों करें, यू टेक बिजनेस क्यों करें। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त
टॉपिक है आज का, राइट। तो डियर फ्रेंड देखिए, आज के हम इस बिजनेस में जानेंगे कि यूटेक ही क्यों करें। बाहर के मार्केट में अगर हम बात करें, जॉब्स लेकर के हम बात करें या फिर कोई भी अदरवाइज बिजनेस लेकर के हम बात करें, बहुत सारे ऐसे राह हैं जहां पे लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन हम यूटेक ही क्यों करें, राइट। इसके बारे में हम आगे जानेंगे और आगे हम समझेंगे डियर फ्रेंड यूटेक क्यों करें के बारे में। आइए हम अगले स्लाइड में चलते हैं और अगले स्लाइड में हम जानते हैं यहाँ पे यूटेक क्यों करें। तो डियर फ्रेंड्स यूटेक क्यों करें, या फिर ये जो सवाल मैंने रखा कि भाई यूटेक के ऊपर में, इससे पहले मैं आप दोस्तों से सवाल पूछना चाहूंगा और मेरा कुछ सवाल है। सवाल क्या है? सवाल है डियर फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं आप ऐसा कोई चाहते हैं आपके पास में, आप या आपके पास में कच्चा सा घर हो, आलीशान बंगला हो, ऐसी कुछ चाहते हैं आपके पास में? बिल्कुल। आपकी क्या ऐसी चाहते हैं डियर फ्रेंड्स कि आपके पास में समय की आजादी हो, या फिर आपका कोई सपना होगा यार कि मैं काम बहुत करता हूँ लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं होता, समय नहीं होता, पैसा बहुत कमाता हूँ मैं लेकिन मेरे पास में समय नहीं होता है, क्या आप ये चाहते हैं, या फिर आपके सपने हैं कि आपके पास में समय की आजादी हो, या फिर क्या आपकी चाहते हैं डियर फ्रेंड्स कि आपके पास में पैसों की आजादी हो, आपके पास में अपार पैसा हो, कुछ भी कोई भी वस्तु या फिर कोई भी चीज खरीदने से पहले आपको सोचना ना पड़े, अपने जेब टटोलना ना पड़े, क्या आप ये चाहते हैं कि आपके पास में अपार पैसा हो, पैसों की आजादी हो? बिल्कुल डियर फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं, क्या आप चाहते हैं यार कि लोग हम काम में पूरे साल पूरे वर्ष हर समय एक बिजी रहते हैं, बिजी शेड्यूल में रहते हैं, हमें समय ही नहीं मिल पाता है कि देश विदेश में क्या हो रहा है, किस तरीके से वर्किंग हो रहा है, क्या काम हो रहा है, हम देश विदेश की यात्रा कराएं, देश विदेश घूम करके आए, अलग अलग कंट्री अलग अलग जगह में जाकर के चीजों को एनालिसिस करें, देखें वहां पे घूमने का मजा लें, इंजॉय हम भी करें, ऐसी आपकी चाहते हैं? बिल्कुल। आगे हम बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या आपकी चाहते हैं डियर फ्रेंड्स कि आपकी फैमिली खुशहाल और स्वस्थ? डियर फ्रेंड्स अगर मैं बताना चाहूंगा चाहता हूँ कि मैं बात करूँ, ये सवाल मेरा आप सभी दोस्तों से है, ये चाहते हैं अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स तो चाहते हैं हर किसी व्यक्ति की है। हर कोई व्यक्ति अमीर होना चाहता है, हर कोई व्यक्ति चाहता है यार कि मेरे पास में अच्छा खासा रहने के लिए घर हो। आलीशान बंगले की तो बात छोड़िए, बट मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास में एक अच्छा खासा घर हो रहने के, समय की आजादी हो, हर कोई चाहता है मेरे पास में समय की आजादी हो, आज मैं 8-10 से 5 की जो घंटी होती है, जो काम होता है, वर्किंग होता है, उसमें फंसा हुआ हूँ, मेरे पास में समय ही नहीं मिल पाता है कि अपने परिवार वालों को मैं समय दे पाऊँ, या फिर अपने रिश्तेदारों को मैं समय दे पाऊँ, या फिर उस समय में मैं कहीं बाहर जाकर घूम करके आऊँ, लोगों के पास में समय नहीं है। और मेरा मानना है डियर फ्रेंड्स कि हर कोई की ये चाहते होती लेकिन लोगों के पास में होता नहीं है, ये चाहते हैं हर किसी व्यक्ति की होती बट लोगों के पास में चीजें होता नहीं है, राइट। डियर फ्रेंड्स आज मैं आपसे दोस्तों को ऐसे इंडस्ट्री जैसे सिस्टम से मिलाने वाला हूँ, जिस सिस्टम के माध्यम से आप ये चाहतों को आप पूरी कर सकते हैं और बहुत ही जबरदस्त बहुत ही शानदार तरीके से। तो आइए हम जानते हैं अगला स्लाइड में कि अगर हमको ये चाहते पूरी करना है, जो मैं चाहते हैं आपसे दोस्तों के बीच में रखा कि चाहते पूरी करना है, तो कहीं ना कहीं हमको करना क्या होगा, राइट। अगला स्लाइड में देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर इन चाहतों को हमें पूरा करना है तो सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे आता है, हमको इनकम करना होगा। क्या करना होगा? इनकम करना होगा, राइट। क्योंकि डियर फ्रेंड्स पैसों से ही हर एक चाहतें पूरी हो सकती है। अगर हमारे पास में पैसा होंगे तो हमारे पास में ये आलीशान बंगला भी होगा, आलीशान घर भी होगा। हमारे पास में पैसे होंगे डियर फ्रेंड्स तो हमारे पास में समय की आजादी भी होगी। हमारे पास में पैसे होंगे तो हम किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले अपनी जेब नहीं खोलेंगे। ये चाहतें किससे पूरी हो सकती है? पैसों से। किससे? पैसों से, राइट। आइए डियर फ्रेंड्स हम जानते हैं आज के लिए स्लाइड में कि पैसे दुनिया के अंदर में, कि दुनिया में बात की जाए, कितने तरीके से कमाए जाते हैं, या फिर कौन कौन से पैसे कमाए जाते हैं, राइट। काला धन की बात नहीं कर रहा हूं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस डियर फ्रेंड, बने रहे आपसे दोस्त, थोड़ा सा नेटवर्क इधर हो रहा है मेरे ओर से, बाकी आपसे दोस्त बने रहे, बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त आज का ट्रेनिंग होने वाला है। चलिए नेटवर्क इधर हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है हमारे बीच में, बाकी आपसे दोस्त बने रहे डियर फ्रेंड्स। जो हम बात कर रहे हैं पैसों से लेकर के, ये जो चाहते हैं हम आपसे दोस्तों के बीच में डियर फ्रेंड्स, ये चाहते हैं सिर्फ पूरी हो सकती है पैसों से, और पैसे कमाने के हम तरीके जान रहे हैं कि पैसे दुनिया में या फिर भारत की हम बात करें कितने तरीके से कमाए जाते हैं, कौन कौन सी वो तरीके हैं जिसके माध्यम से पैसे कमाए जाते हैं, राइट। तो आ जाइए आप सीधे दोस्त स्क्रीन के ऊपर में और अपने स्लाइड यहाँ पे आप देखिए, बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त स्लाइड चल रहा है यहाँ पे, और आज के इस ट्रेनिंग में डियर फ्रेंड्स आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, है ना। तो आपका ध्यान आपका फोकस डियर फ्रेंड्स भटकना नहीं चाहिए, अगर आप भटकते हैं आज की इस ट्रेनिंग को आप नहीं लेते हैं डियर फ्रेंड्स, तो बहुत कुछ आप छोड़ देने वाले हैं। आपका फोकस आपका ध्यान आपका भटकना नहीं चाहिए,
राइट। तो बाकी कहते हैं डियर फ्रेंड्स कि अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, थोड़ा सा सीजन ये ओपन होने में थोड़ा सा समय ले रहा है। कहते हैं कि अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपनी अलग एक अंदाज पैदा कर, अपनी अलग एक अंदाज पैदा कर, अपने आप से कहां मिलती है मंजिल मेरे दोस्त, हर कदम पर अपना एक नया विश्वास पैदा कर। राइट, तो आ जाइए, और नेटवर्क फिलर है इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी दोस्तों से कि मेरे ऑफिस थोड़ा सा नेटवर्क फिलर चलता है जहां पे मैं रहता हूं यहां पे, इस वजह से हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंस हमारे बीच में हो रहे हैं, डिस्टर्बिंग हो रहा है डिफरेंस। बाकी आज आप सभी दोस्तों को काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, आप सभी दोस्तों की डेडिकेशन या फिर सभी दोस्तों का फोकस की मैं बात करूं, डिफरेंस पूरी तरीके से स्क्रीन पे होने वाला है, होना चाहिए, और बहुत कुछ सिखा करके आज मैं जाने वाला हूं। तो पहले इनकम में हम बात करेंगे डिफरेंस, जो पहला इनकम होता है वो होता है लेवरेज इनकम। ये इनकम के प्रकार है, लोग कितने प्रकार से इनकम कमाते हैं। पहला इनकम होता है डिफरेंस लेवरेज इनकम, दूसरा इनकम होता है डिफरेंस लीनियर इनकम, और तीसरा जो इनकम होता है वो होता है रॉयल्टी इनकम। दुनिया में जितने भी तमाम लोगों की अगर हम बात करें डिफरेंस, तमाम के तमाम व्यक्ति की हम बात करें, तमाम व्यक्ति ओनली फॉर दुनिया में तीन ही प्रकार के इनकम करते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, तीसरा सा कोई चौथा इनकम नहीं है। आइए मैं इनको मैं आपको क्लियर करता हूँ कि कैसे तीन प्रकार के इनकम करते हैं, आखिर ये इनकम होते कौन कौन से हैं, लेवरेज इनकम होता क्या है, लीनियर इनकम होता क्या है, रॉयल्टी इनकम होता क्या है, और इन्हें लोग कैसे कमाते हैं, इन्हें कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना, ये चीजें जानने वाले हैं हम अगले स्लाइड के ऊपर में बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। डियर फ्रेंड्स आ जाइए आप सभी दोस्त अगले स्लाइड को और हम बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम जानते हैं डियर फ्रेंड्स लीनियर इनकम होता क्या है, क्या लीनियर इनकम जानते हैं हम। अब लीनियर इनकम डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कैसे कैसे है, जो व्यक्ति अपने समय व टैलेंट को बेच करके पैसे कमाता है उसे लीनियर इनकम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो व्यक्ति, बातों को आप समझिए यहाँ पे, लीनियर इनकम होता क्या है, जो व्यक्ति अपने समय व टैलेंट को बेच करके पैसा कमाता है उसे लीनियर इनकम कहते हैं। उदाहरण, जॉब करने वाला, जितने भी पर्सन अपने समय को बेचते हैं, 8 घंटे किसी का जॉब है, किसी का 5 घंटे का जॉब है, किसी का 12 घंटे का जॉब है, किसी का 16 घंटे का जॉब है, जो भी वर्किंग, जो भी समय अपने इन्वेस्ट करते हैं, उस समय के दौरान उस व्यक्ति को वहां पे सैलरी दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, उसे लीनियर इनकम कहते हैं, उससे जो आय होती है उसे लीनियर इनकम कहते हैं। राइट, एग्जाम्पल फोर, जॉब करने वाला, टीचर, वकील, इंजीनियर, मैनेजर, एक मजदूर, हर वह आदमी जो किसी के अंदर में रहकर के काम करता है, कोई ठेकेदार के अंदर में रहकर काम करता है, किसी न किसी पर्सन के दबाव में रहकर काम करता है, वह कौन सी इनकम करता है डियर फ्रेंड्स? लीनियर इनकम। कौन सा इनकम? लीनियर इनकम, या फिर वो जॉब करने वाला हो, अदरवाइज कुछ भी, मतलब कि प्राइवेट जॉब से हो या फिर गवर्नमेंट जॉब से, वो कौन सी इनकम करता है? लीनियर इनकम, क्योंकि वो किसी के अंदर में रहकर के काम कर रहा है। राइट, आइए आगे हम समझते हैं डियर फ्रेंड्स, और आगे हम जानते हैं और भी इसको बेहतरीन तरीके से। अब हम दूसरा जानेंगे यहाँ पे कि लेवरेज इनकम, आखिर लेवरेज इनकम होता क्या है, या फिर ये लेवरेज इनकम डियर फ्रेंड्स किसे कहते हैं, इसको भी हम बेहतरीन तरीके से जानेंगे कि जो व्यक्ति अपने समय को दूसरों के समय के साथ गुणा करके पैसा कमाता है उसे लेवरेज इनकम कहते हैं। जो व्यक्ति अपने समय के साथ दूसरे के समय को गुणा करके पैसा कमाता है उसे लेवरेज इनकम कहते हैं। राइट, ये इसका मैं वाली अर्थ बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, इसको हम बेहतरीन तरीके से अगले स्लाइड में हम समझेंगे कि आखिर होता क्या है। आ जाइए आप सभी दोस्त, अब मजा आने वाला है आप सभी दोस्तों को यहाँ पे। अब हम जानेंगे डियर फ्रेंड्स क्या है लीनियर इनकम, हम तो इसका अर्थ समझ चुके हैं, लीनियर इनकम होता क्या है, लेवरेज इनकम होता क्या है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि आखिर ये कमाते कैसे और ये इनकम आता कैसे, लीनियर इनकम आता कैसा, लेवरेज इनकम आता कैसा है ना। तो आ जाइए आप सभी दोस्त, और मैं आप सभी दोस्तों को बताने वाला हूँ एक स्टोरी के माध्यम से, बहुत ही शानदार स्टोरी है, मिस्टर राम और मिस्टर बजाज की। राइट, आ जाइए डियर फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर राम की। मिस्टर राम होते हैं, ये नौकरी करता है, एक मिस्टर राम होते हैं जो नौकरी करता है। नौकरी क्या काम रहता है इसका कि 8 घंटे अपना ये समय खपत करता है, अपना समय बेचता है, 8 घंटे किसी फैक्ट्री, किसी मालिक के यहाँ पे जाकर के नौकरी करता है, और वहां पे 8 घंटे काम करने के बाद में डियर फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें मंथली की, इसकी महीना की इनकम होता है 10,000, ये एग्जाम्पल फोर के रखा गया है। राइट, एक नौकरी करने वाला बंदा है, उसका नाम राम है, और वो एक महीना नौकरी करता है, एक महीना पूरा समय देता है, तब जाकर वह व्यक्ति 10,000 रुपया कमाता है। 10,000 रुपये महीने में कमाता है डियर फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं इसको हम एक डिवाइड करके देखते हैं, इसको हम भागित करके देखते हैं, एक महीना में कहीं ना कहीं 30 दिन होते हैं, आप सभी दोस्तों को बखूबी तरीके से पता है 30 का या फिर 31 का महीना होता है, तो हम एक राउंड फिगर मान लेते हैं कि 30 दिन का महीना होता है। राइट, अगला हम बात करते हैं, और 4 रविवार होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट भी होंगे काफी सारे दोस्त, तो उनको भी पता है कि 4 रविवार होते हैं और रविवार को सरकारी छुट्टी होती है ना, तो 4 रविवार होते हैं। एक हम मान लेते हैं डियर फ्रेंड्स, एक पर्सनल खुद की छुट्टी हो जाती है, कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी किसी कारणवश से फैमिली में जाना होता है, तो व्यक्ति अपने कामों पे नहीं जा पाता है, तो इस तरीके से उसका एक पर्सनल छुट्टी हो जाती है। तो अगर हम छुट्टियों को देखें तो 4 और 1 5 छुट्टी उस व्यक्ति के पास में हो जा रहा है, 5 छुट्टी एक महीना में वो करता है, मतलब
मैच अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो 25 दिन काम करता है और 25 दिन काम करने के बाद में 10,000 रुपए की इनकम जनरेट करता है। कितने की इनकम? 10,000 रुपए का इनकम जनरेट करता है। अब इसको हम और बेहतरीन तरीके से समझते हैं डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति की हम बात करें तो एक महीने काम करके 10,000 रुपए कमाता है, तो हम देखते हैं एक दिन का इनकम भी हम चेक करना चाहेंगे कि एक दिन वो कमाता क्या है। तो हम एक दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे, एक 10,000 भागित 25, 10,000 को हम 25 दिन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक दिन का इनकम निकल करके आ जाएगा। 10,000 भागित 25 करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो सीधा सीधा इनकम निकल के आ जा रहा है हमारा 400 रुपए। मतलब महज वह व्यक्ति की अगर हम बात करें पर डे 8 घंटा उस कंपनी उस फैक्ट्री में व्यक्ति समय देता है, समय देने के बाद में 400 रुपए उसका पर डे की भत्ता पड़ता है, फिर रोजी पड़ता है, 400 रुपए दिन का कमाता है। अब हमें पता हो चुका है यहाँ पे कि 400 रुपए दिन का कमाता है, तो हम यहाँ पे हम घंटे में चेक कर लेते हैं कि एक घंटे वो कितना कमाता है। तो घंटा चेक करने के लिए हमको करना क्या होगा डियर फ्रेंड्स, एक घंटे में कितना कमाता है, 400 को डिवाइड करना होगा 8 से। कितने को? 400 को डिवाइड करना होगा डियर फ्रेंड्स 8 से। 400 को डिवाइड अगर भागित करते हैं हम 8 से तो डियर फ्रेंड्स 50 रुपए आते हैं। मतलब महज अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, एक घंटे में वह व्यक्ति 50 रुपए कमाता है, उसकी एक घंटे की कीमत होती है 50 रुपए। एक दिन की कीमत होती है 400 रुपए और एक महीने 25 दिन काम करता है तो उसकी कीमत होती है डियर फ्रेंड्स 10,000 रुपए। अब मेरे साथ में काफी सारे कोहोस्ट पार्टनर्स बने हुए हैं, कुछ दोस्तों को मैं लेना चाहूंगा, जो दोस्त एक्टिव है उनसे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि मिस्टर राम, किसी कंपनी में 8 घंटा काम करके 10,000 रुपए महीने का कमा रहा है, अगर मिस्टर राम को 15,000 रुपए महीने का कमाना है तो क्या करेगा? एवरीबॉडी कोई भी कोर्स 12 घंटा काम करेगा, बिल्कुल ओवरटाइम काम करेगा, ओवरटाइम, राइट सर, थैंक यू थैंक यू। डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं उसे ओवर टाइम काम करना होगा, अगर उसे 15,000 रुपए कमाना है तो कहीं ना कहीं 12 घंटा काम करना होगा, जब जाकर 15,000 रुपए कमा सकता है। 20,000 रुपए कमाना होगा डियर फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को, उस पर्सन की अगर हम बात करें मिस्टर राम की, उसे 16 घंटा काम करना होगा जब जाकर कोई 20,000 रुपए कमा सकता है। और अगर इससे भी ज्यादा इनकम उसको करना है, 20,000 में भी उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, 20,000 में भी उसके सपने पूरे नहीं हो रहे डियर फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा समय देना होगा। और एक व्यक्ति के पास मालिक 24 घंटे का समय होता है, अगर वह व्यक्ति 24 घंटे भी डियर फ्रेंड्स में बताता हूँ फैक्ट्री के मालिक के पास में समय देता है, उस फैक्ट्री में समय देता है, तो 30,000 से एक्स्ट्रा इनकम नहीं कर सकता है। आप मुझे बताइए डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ काफी सारे कोर्स पार्टनर बने हुए हैं, अब 30,000 रुपया वह व्यक्ति, मैं माना कि मान लेते हैं हम कि 16 घंटा वो काम करता है, 16 घंटा काम करने के बाद में 20,000 रुपये कमाता है, चलिए बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मिस्टर राम को 20,000 रुपये का तो उसको नौकरी मिल गया, लेकिन मिस्टर राम को डियर फ्रेंड्स अगर 4 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, अपने फैमिली के साथ में कहीं देश विदेश घूमना चाहता है, अपने परिवार में जाना चाहता है, घूमना चाहता है, तो क्या वह घूमने के लिए जाएगा तो 4 दिन का सैलरी उसका मालिक, उसका कंपनी का मालिक उसको देने वाला है सर? नहीं देने वाला है सर, बिल्कुल भी नहीं देगा, ये कहीं भी नहीं दिया जाता है डियर फ्रेंड्स। अगर भाई व्यक्ति एक दिन का भी छुट्टी मारता है तो उसका एक दिन का छुट्टी का पैसा काट लिया जाएगा, बाकी देने वाला नहीं है, है ना? तो मतलब कहने का मतलब सीधा सा मतलब है, मैं जैसे कि बताया था कि लीनियर इनकम से लेकर के, कि मिस्टर राम जितना अपने समय को बेचेगा उतना ज्यादा पैसे कमाएगा, जितना अपना टैलेंट को बेचेगा उतना वहां पे पैसे कमाने वाला है। इस एक कंपनी में काफी सारे लोग काम करते हैं, वहां पे जिस व्यक्ति का जिस प्रकार से टैलेंट होता है उस प्रकार से पैसा वहां पे कमाता है, बहुत सारे लोग वहां पे काम करते हैं, हजारों को तादाद में आप लोग काम करते हैं, किसी की इनकम 10,000, किसी की इनकम 20,000, किसी की इनकम 35, किसी की इनकम 30, किसी की इनकम 50, किसी की इनकम 1 लाख और किसी की इनकम 5 लाख भी वहां पे होती है। मतलब लोगों को फोन आ गया क्या? वॉइस नहीं आ रही है गुरुदेव? नो सर, आप बने रहे सर मेरे पास में, थोड़ी सी नेटवर्क डिस्टर्बेंस हो रहा है सर, ये प्रॉब्लम हो रहा है कहीं ना कहीं से, तो आप सभी दोस्त बने रहे, बहुत ही बेहतरीन चीजें आज आप सभी दोस्तों को मिलने वाली है। तो ये नेटवर्क क्लियर हो रहा है सर, इस वजह से सब चीज डिस्टर्बेंस अगर हो पा रहा है तो नेटवर्क क्लियर की वजह से हो पा रहा है, बाकी आप सभी दोस्त बने रहे, बहुत ही बेहतर आज आप सभी दोस्तों को सीखने का मौका मिलेगा, ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे देखिए होता है क्या, राइट? तो आ जाइए आप सभी दोस्त स्क्रीन के ऊपर में, और नेटवर्क डियर फ्रेंड्स ना तो आपके हाथ में है ना ही मेरे हाथों में, नेटवर्क है ना, एक नेटवर्क ना होने की वजह से आप देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम हमको यहाँ पे हो रही है, कि हम मीटिंग से बाहर निकल जाते हैं नेटवर्क ना होने की वजह से। तो आप सभी दोस्त भी एक अंदाजा लगा सकते हैं डियर फ्रेंड्स, जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे अगर नेटवर्क नहीं होगा तो क्या होने वाला है, राइट? चलिए आ जाइए स्टोरी के दूसरे राउंड पे हम चलते हैं, और एक समझते हैं यहाँ पे, मैं जैसे कि बताया था कि मिस्टर बजाज,
अब हम डियर फ्रेंड्स मिस्टर बजाज को यहाँ पे समझते हैं। मिस्टर बजाज एक फैक्ट्री के मालिक होते हैं और मिस्टर बजाज के फैक्ट्री में डियर फ्रेंड्स हम बात करें यहाँ पे मिस्टर राम के जैसे 2000 वर्कर काम करते हैं। कितने वर्कर? 2000 वर्कर काम करते हैं। अब यहाँ पे आप आगे समझिए डियर फ्रेंड्स, मिस्टर बजाज के फैक्ट्री में 2000 वर्कर काम करते हैं, तो 2000 वर्कर जो काम करते हैं डियर फ्रेंड्स आप बताइए कि मिस्टर बजाज को अगर कोई बेनिफिट नहीं होता होगा तो क्या मिस्टर बजाज उन व्यक्तियों से काम कराएगा? नहीं। जब तक किसी व्यक्ति को कोई ना कोई बेनिफिट नहीं होता है डियर फ्रेंड्स, तब तक कोई व्यक्ति काम नहीं कराता। और जहां तक मेरा मानना है कि मैंने भी बाहर पे काम किया, अगर हम ठेकेदारी के अंदर में भी अगर वर्किंग करते हैं तो वहां पे वह व्यक्ति 100 रुपए का बेनिफिट करता है तब जाकर के 50 रुपए देता है। कोई ठेकेदार कोई मालिक की अगर हम बात करें उसके पास में कोई नौकर काम करता है, लेबर काम करता है, कोई भी वर्कर काम करता है, तो वहां पे 100 रुपए का उसको बेनिफिट होता है जब जाकर कोई कस्टमर वो मेहनत करने वाले बंदे को मजदूर को 50 रुपए इनकम कमाता है, राइट। अब हम यहाँ पे मानते हैं डियर फ्रेंड्स जो वर्कर हैं कंपनी के मालिक के पास में 2000 वर्कर काम कर रहे हैं, तो ये 2000 वर्कर में जो वर्कर हैं यहाँ पे ये काम क्या करते हैं? पूरे दिन में 400 रुपए कमाते हैं, मतलब 8 घंटा काम करते हैं। 8 घंटे में कहीं ना कहीं 4 घंटे अपने आप के लिए करते हैं और 4 घंटे का काम अपने मालिक को करके देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा काम करके देते हैं, राइट। अब ये 4 घंटे काम करके देते हैं डियर फ्रेंड्स मालिक को, और 4 घंटे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक मालिक के पास में, तो 2000 वर्कर उसको 4-4 घंटे मेहनत करके दे रहे हैं, काम करके दे रहे हैं, तो 4-4 घंटे अगर हम मिलाते हैं डियर फ्रेंड्स तो 2000 × 4 करेंगे बराबर उस मालिक के पास में एक दिन में 8000 घंटे हो जा रहे हैं। कितने घंटे? 8000 घंटे, राइट। अब यहाँ पे समझने वाली बात और है, आगे हम चलते हैं और आगे हम सब दोस्तों को समझाते हैं। मतलब मैं बताया कि एक दिन में 8000 घंटे वह व्यक्ति के पास में काम होता है, जहां पे लोगों के पास मॉली फॉर 24 घंटे का समय हुआ करता था, वहां पे उस व्यक्ति के पास में मिस्टर बजाज के पास में 8000 घंटे हो चुके हैं उसके पास में। ये कंपाउंडिंग हो रहा है, कौन सा कंपाउंडिंग हो रहा है? लेवरेज इनकम। यहाँ पे आप सब दोस्तों को समझने की जरूरत है। अब 8000 घंटे उस व्यक्ति के पास में हो जा रहा है डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमने देखा था कि एक घंटे की जो उसकी इनकम थी मिस्टर राम की, वो इनकम थी 50 रुपए। वही 50 रुपए उसको भी पर एक घंटे में आता है, पर एक पर्सन से उसको बचता है हर एक घंटे का। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8000 × 50 करेंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इनकम निकल करके आ जाता है 4 लाख रुपए। कितने रुपए? 4 लाख रुपए। जहाँ पे मिस्टर राम की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, मिस्टर राम 400 रुपए दिन का कमाता था, वहीं पे मिस्टर बजाज 4 लाख रुपए दिन का कमाता है। कितने रुपए? 4 लाख रुपए दिन का कमाता है। आइए आगे हम समझते हैं डियर फ्रेंड्स, और आगे हम जानते हैं कि एक महीने में डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं 25 दिन होते हैं, और एक दिन अगर 4 लाख रुपए 25 दिन काम करते हैं, होते नहीं है 25 दिन काम करते हैं, और कहीं ना कहीं एक दिन में 4 लाख रुपए कमाता है, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 लाख × 25 करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो सीधा सीधा इनकम आ जा रहा है 1 करोड़ रुपए। वह व्यक्ति मिस्टर बजाज की अगर हम बात करें तो पूरा महीने लोगों को काम कराता है, उसने जब लोग काम कर रहे हैं और उसको 1 करोड़ रुपए की इनकम एक महीने में आता है, राइट। आगे हम समझते हैं। अब डियर फ्रेंड्स काफी सारे मेरे दोस्त यहाँ पे बने हुए हैं, तो मैं उन दोस्तों से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इफेक्ट आपको देख पाए होंगे। अब मैं पूछना चाहूंगा कि क्या मिस्टर बजाज अपने फैमिली के साथ में विदेश यात्रा में जाना चाहे, विदेश घूमने के लिए जाना चाहे, उसको जा सकता है नहीं जा सकता, उसको इनकम आएगी नहीं आएगी? एवरीबडी कोई भी कोर्स पार्टनर, इनकम आएगा गुरुदेव, इनकम आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि वह लीनियर इनकम कर रहा है, लोगों के साथ में, लोगों के समय के साथ में डियर फ्रेंड्स अपने समय को मल्टीप्लाई करके पैसा कमा रहा है, गुना करके पैसा कमा रहा है। वह अपने नीचे में से तमाम लोगों को लगा रखा है, 4 दिन की तो आप बात छोड़े डियर फ्रेंड्स, वो महीनों तक भी अगर उस फैक्ट्री में देखने ना जाए तो भी उसका इनकम घटने वाला नहीं। एक और क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स आप सभी दोस्तों से, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मिस्टर बजाज को हम जैसे कि यहाँ पे निकाल के मिस्टर राम के अंदर में, वैसे ही अगर मिस्टर बजाज को 2 करोड़ रुपए कमाना है तो क्या करेगा? 1 करोड़ रुपए पर मंथ में कमा रहा है, अगर उसको एक ही महीने में 1 करोड़ रुपए से उसकी जरूरत या फिर उसके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, अगर उसको 2 करोड़ रुपए कमाना है तो क्या करेगा? एवरीबडी कोई भी होस्ट डियर फ्रेंड्स आप सभी दोस्त एक्टिव रहे, मजा आने वाला है ना, आप डीएक्टिव हो जाएंगे तो हमें मजा नहीं, एक्टिव नहीं हो पाएंगे कोई, देखकर हमारा माहौल हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। क्या करना होगा सर? रेज करिए, क्वेश्चन रेज करिए। ये क्वेश्चन सर यहाँ पे आ रहा है सर, दो मिस्टर बजाज एक महीने अपने नीचे में काम करवा के सर 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, अगर मिस्टर बजाज की हम बात करें 2 करोड़ रुपए कमाना हो तो क्या करना होगा मिस्टर बजाज को? वर्क को बस बिजनेस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देगा वर्क को, राइट। वो लोगों की संख्या और बढ़ा देगा और लोगों को काम करवाएगा। बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल राइट।
राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा मिस्टर बजाज करेगा क्या यहाँ पे, मैं बताना चाहूंगा। डियर फ्रेंड्स, वो 2000 वर्कर और बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? 2000 वर्कर और बढ़ा देगा। डियर फ्रेंड्स, जहां पे उसको 2000 वर्कर से 1 करोड़ रुपए की इनकम आ रहा है, वहां पे उसके पास ऑलरेडी पैसे हैं, वहां पे अगर वर्कर बढ़ाने की क्षमता नहीं है तो दूसरी जगह में कंपनी खोल करके, कहीं अलग जगह में कंपनी खोल करके वो वर्कर बढ़ा करके वहां से पैसे कमा सकता है। वही कहते ना, पैसे वालों के पास में पैसे कमाने के अनेकों राय होते हैं, लेकिन जिनके पास में पैसे नहीं होते, फिर गरीब लोगों की बात करें, डियर फ्रेंड्स, गरीब लोगों के पास एक ही राय होता है, जितना ज्यादा समय को बेचेगा उतना पैसा कमा सकता है। समय खत्म, पैसा खत्म, जब तक मेहनत करेगा जब तक पैसा कमाएगा। पैसे गरीब या पुअर फैमिली वालों के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, राइट। बट अगर हम मिस्टर बजाज जैसे लोगों की हम बात करें, डियर फ्रेंड्स, फैक्ट्री मालिक के बड़े लोगों की हम बात करें, जिनके पास में अपार पैसे है, उनके पास में पैसे कमाने के अपार तरीके हो जाते हैं, अनेकों तरीके हो जाते हैं, अनेकों प्रकार के पैसे कमा सकते हैं। तो चीजें डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी दोस्त स्टोरी के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि लीनियर इनकम आखिर होता क्या है और लेवरेज इनकम आखिर होता क्या है, राइट। आगे स्लाइड में हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम समझते हैं कि मैं सभी दोस्तों से यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो बजाज की तरह में पैसा कमाना चाहते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आई होप कि आप सभी दोस्तों का आंसर यस में आएगा, और आप सभी दोस्त हैंड राइज करके मुझे बताइए कि कितने ऐसे दोस्त हैं जो बजाज की तरह में पैसा कमाना चाहते हैं। मैं देखना चाहूंगा कितने सारे दोस्तों का हैंड राइज हो रहा है। प्लीज हैंड राइज डियर फ्रेंड्स, आपके हैंड राइज से मेरे एक्साइटमेंट को बढ़ाएगा और आप बेहतर आज का ट्रेनिंग होने वाला है, जरूर आप हैंड राइज करें। गुड, थैंक यू, थैंक यू। मैं देख पा रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों का यहाँ पे हैंड राइज हो रहा है कि सभी दोस्त यहाँ पे बजाज की तरह में पैसा कमाना चाहते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि बजाज की तरह में अगर हमको पैसा कमाना है तो क्या करना होगा, राइट। डियर फ्रेंड्स, बजाज की तरह में अगर हमको पैसा कमाना है डियर फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री खोलना पड़ेगा। क्या खोलना पड़ेगा? फैक्ट्री खोलना पड़ेगा। आप अभी अगले स्लाइड में आप दोस्तों ने समझे हैं और देखे हैं कि बजाज फैक्ट्री खोल करके पैसे कमा रहा है, तो बजाज की तरह में अगर हमको पैसा कमाना है तो कहीं ना कहीं हमें फैक्ट्री खोलना होगा, और फैक्ट्री खोलने के लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी करोड़ों रुपए हमको इन्वेस्ट करना होगा सबसे पहले, क्योंकि भाई 20,000 लोगों को हम अपने फैक्ट्री में रखने वाले हैं, तो करोड़ों रुपए वहां पे इन्वेस्ट करना होगा। दूसरा, एक उचित हमको जगह चाहिए वहां पे, ऐसा नहीं कि हम जंगल में जाकर किसी पहाड़ के ऊपर में हम फैक्ट्री खोल दें, वहां पे भी एक अच्छा उचित प्लेस चाहिए हमको जहाँ पे हमारा फैक्ट्री चल सके, जहाँ पे यातायात के साधन हो, जहाँ पे गाड़ियां आ जा सके, कच्चा माल मेरे पास में जो बुलवाया जाएगा वहां पे आ जा सके, एक अच्छा जगह होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे तीसरा हमारे पास होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, वो जानकारी। फैक्ट्री तो हम खोलेंगे लेकिन मुझे जानकारी ही नहीं है तो क्या मैं फैक्ट्री को चला पाऊँ? नहीं चला पाऊंगा, मेरे पास में नॉलेज ही नहीं, मेरे पास में जानकारी नहीं है कि फैक्ट्री में कौन सा कच्चा माल लगने वाला है, किस तरीके से उसको चलाने वाले हैं, तो मेरे पास में अगर जानकारी नहीं है डियर फ्रेंड्स, मैं फैक्ट्री को नहीं चला, राइट। मतलब आगे हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, चौथा पे पहुंच होना चाहिए। ऐसे काफी बार होता है कि पहुंच ना होने के कारण से कभी स्कैम्स वगैरह हो जाते हैं, कभी कोई आरोप लगा देता है, तो जिस वजह से फैक्ट्रियां भी बंद हो जाती है। अभी काफी सारे मालिक फैक्ट्रियों की हम बात करें जो बंद होते जा रहे हैं, तो मेरा पहुंच भी होना चाहिए मंत्रियों के साथ में, नेताओं के साथ में, बड़े पोस्ट के कर्मचारियों के साथ में, अच्छा खासा पहचान होना चाहिए जब जाकर मैं फैक्ट्री खोल सकता हूँ। अगला हमारे पास में होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, रिस्क लेने की क्षमता होना चाहिए। ये बहुत ही मेन टॉपिक। माना डियर फ्रेंड्स कि आपने लाखों रुपए लगा करके सब चीज करिए, आपके पास में कच्चा करोड़ों की आपके पास में इनकम भी है, आपने फैक्ट्री लगा लिए, जगह भी आपके पास में अच्छी है, जानकारी भी आपके पास में अच्छी है, पहुंच भी आपके पास में अच्छी है, लोगों के साथ में अच्छी मुलाकात भी है, लेकिन अगर आपके पास में डियर फ्रेंड्स रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो आप फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं। मैं और भी बेहतर तरीके से मैं बताना चाहूंगा, आज आप देखते होंगे डियर फ्रेंड्स, सुनते भी होंगे आप, कि काफी जगह में ऐसा होता है कि लोग फैक्ट्री खोलते हैं और लोगों के फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, कभी शॉर्ट आउट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, कभी कोई घाटा आ जाता है, तो वो लोग रिस्क लेते हैं वहां, उतने करोड़ रुपए लगाने के बाद में उसका फैक्ट्री कभी ऐसा होता है कि उसको तबाह हो जाता है, जल जाता है, तो वहां पे रिस्क लेने की क्षमता होना चाहिए। काफी सारे लोग को थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होता है तो लोग आत्महत्याएं कर लेते, तो वहां पर भी रिस्क लेने की क्षमता होना चाहिए। अगला हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, ठकवा में ऐसे तो आप खोलेंगे, आपके पास में लोग भी होना चाहिए, कौन काम करेगा, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, क्या आप ये सब चीजें कर सकते हैं? और आप सभी दोस्तों का आंसर आएगा कि नहीं, मेरे पास में करोड़ रुपए नहीं है, अगर मेरे पास में करोड़ रुपए होता और ये सब चीजें होती तो आज मैं यहाँ पे आकर के मीटिंग नहीं ले रहा होता, मैं फैक्ट्री खोल करके पैसे कमा रहा होता। तो क्या फिर भी आप मिस्टर बजाज की तरह में पैसे कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते सर, नहीं कमा सकते हैं। बाकी डियर फ्रेंड्स एक चीज और इसमें ऐड कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन मोस्ट वांटेड होता है, किसी भी कंपनी को खोलने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके लिए पापड़ बेलते हैं। बिल्कुल सर, वही बताया सर कि जानकारी का अभाव और वहाँ पे मैं पहुंच बताया सर, रजिस्ट्रेशन लेकर के पहुंच आपके पास होना चाहिए, नेताओं के पास में, सरकारी कर्मचारियों के पास में, जहाँ पे आप जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन आप करा सकें, फैक्ट्री को चलाने के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वहाँ पे, उन चीजों को आप यहाँ पे कर सकें, राइट।
इस तरीके से डियर फ्रेंड्स आप मिस्टर बजाज बनकर के आप पैसे नहीं कमा सकते हैं। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों को मैं एक ऐसे इंडस्ट्री जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म से मिलाने वाला हूँ जिस प्लेटफॉर्म में आप ये सारी प्रकार के जो तीन प्रकार की इनकम के बारे में बात करें, तीनों प्रकार के आप इनकम कमा सकते हैं। राइट, अगले स्लाइड में हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स रॉयल्टी इनकम से लेकर के स्पेशल इनकम समझते हैं, और इसके बाद में हम सभी दोस्तों को मैं मिलाता हूँ उस इंडस्ट्री से उस सिस्टम से जहाँ से हम तीनों प्रकार के इनकम कर सकते हैं। आखिर रॉयल्टी इनकम होता क्या है, रॉयल्टी इनकम किसे कहते हैं, वही डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा कि किसी काम को एक बार करने के बाद उस काम से पैसा जीते जी और मरने के बाद भी आता है उसे रॉयल्टी इनकम कहते हैं। बेहतरीन तरीके से मैं समझाने का कोशिश करूंगा आप सभी दोस्तों को, आप सभी दोस्त समझिए डियर फ्रेंड्स रॉयल्टी इनकम कौन और कैसे कौन व्यक्ति कमाते हैं या फिर कैसे कमाते हैं। राइट, चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, एक साइंटिस्ट होता है रॉयल्टी इनकम, एक साइंटिस्ट कमाता है। साइंटिस्ट कैसे रॉयल्टी इनकम कमाता है, किसी भी वस्तु या किसी भी चीज का एक बार आविष्कार करके साइंटिस्ट रॉयल्टी इनकम कमाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, कोई साइंटिस्ट है सम्मानी, एक मैं नाम लेना चाहूंगा बल्ब के आविष्कारक, नाम नहीं आ रहा अभी मुझे उसका, वो साइंटिस्ट एक बल्ब का निर्माण किया, और ये बल्ब निर्माण होने के बाद में जीते जीते उन्होंने निर्माण किया था, जीते जीते उन्होंने पैसा कमाया, रॉयल्टी इनकम कमाया, लेकिन मरने के बाद उसके फैमिली वालों को पैसा जाती है। ये होता है डियर फ्रेंड्स रॉयल्टी इनकम, एक साइंटिस्ट या फिर वैज्ञानिक की हम बात करें रॉयल्टी इनकम कमा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स क्या आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, बिल्कुल नहीं बन सकते हैं विदेश में साइंटिस्ट। राइट, अब आगे हम बात करते हैं और रॉयल्टी इनकम यहाँ पे दूसरा कौन कमाता है, एक राइटर कमाता है, लेखक कमाता है, किसी बुक को एक बार लिखता है डियर फ्रेंड्स, और वह बुक को लिखने के बाद वह बुक मार्केट में जब जब बिकता है जब जब उस रॉयल्टी इनकम जाता है, ये जीते जी तो जाता है लेकिन मरने के बाद में भी जाता है। वो अगर ना रहे उसका लिखा हुआ अगर बुक मार्केट के अंदर बिकेगा डियर फ्रेंड्स उसके फैमिली को पैसा जाता रहेगा। इस तरीके से राइटर भी रॉयल्टी इनकम जीते जी और मरने के बाद भी कमाता है। तो क्या आप सभी दोस्त राइटर बन सकते हैं, और आप सभी दोस्तों का आंसर आएगा डियर फ्रेंड्स अगर राइटर बन सकते तो यहाँ पे आज मीटिंग में नहीं होते, राइटर भी नहीं बन सकते हैं। तीसरा व्यक्ति होता है सिंगर, सिंगर कैसे पैसे कमाता है, सिंगर किसी गाने को गा करके, किसी गाने को एक बार गाता है, उस गाने को गाने के बाद उस गाने को यूट्यूब में अपलोड किया जाता है या फिर कहीं भी डाला जाता है, वह गाना जब जब यूट्यूब में बजता है या फिर लोग बजाते हैं और जहां से डाटा खर्च होता है अदरवाइज जो भी होता है वहां प्रोसेस कंपनी वाले जो एक्टर होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री जो होता है तो उनको राइट इनकम जाते हैं। तो इस तरीके से कोई सिंगर गाना गा करके वहां पे पैसे कमाता है। तो हमारे बीच में तो काफी सारे सिंगर्स हैं, बाकी उस तरीके से नहीं हो सकते हैं कि मतलब एकदम परफॉर्मेंस हो जाए, तो आप सिंगर बनकर के भी आप पैसे नहीं कमा सकते रॉयल्टी इनकम लेना होगा। तो तीसरा होता है डियर फ्रेंड्स, फोर्थ होता है सेलिब्रिटी पर्सनालिटी। अब ये सेलिब्रिटी पर्सनालिटी कैसे रॉयल्टी इनकम कमाते हैं इसको हम जानते हैं। ये डियर फ्रेंड्स कमाते कैसे है, टीवी पर एड करके। आप सभी दोस्त टीवी देखते होंगे, मोबाइल चलाते हैं, आपको काफी जगह पे बीच बीच में आपको एड देखने का मौका मिलता होगा सेलिब्रिटी, जैसे बहुत सारे फिल्म स्टार सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेटर सेलिब्रिटी हैं, तो ये काम क्या करते हैं कि किसी भी चीज का लेकर के ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल वॉइस नहीं आ रही है गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही सर, एवरीबॉडी कोई भी कॉल पार्टनर सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अभी आ रही है सर, कंटिन्यू थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स इस तरीके से एक सेलिब्रिटी टीवी पर ऐड करके रॉयल्टी इनकम कमाता है डियर फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों को पता होगा कि आज काफी सारे सेलिब्रिटी आज मार्केट में ऐड करते हैं और पैसे कमाते हैं। आपने देखा होगा कोई लड़की आती है तो एक सेलिब्रिटी पर बोलती है मेरे गोरे होने का लाख लक्ष लगाइए और मेरे जैसे बुरे हो जाइए, है ना। तो क्या काम करते हैं डियर फ्रेंड्स सेलिब्रिटी, मतलब कि ऐड करके रॉयल्टी इनकम कमाते हैं, और ऐड वही व्यक्ति करता है सेलिब्रिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो व्यक्ति बड़ा पैसा कमाता है वह ऐड करता है, जिनको सारी दुनिया जानता है वह ऐड करता है। तो क्या आप सभी दोस्तों को सारी दुनिया जानता है, यहाँ तक कि डियर फ्रेंड्स आपके पूरे गाँव के भी नहीं जानते होंगे, आपके पूरे क्षेत्र के भी नहीं जानते होंगे, दुनिया जानने की तो बात अलग है ना। तो हम सेलिब्रिटी की पर्सन के रूप में फिर ऐड करके भी हम पैसे नहीं कमा सकते हैं। तो हमारे पास में राह क्या है, हमारे पास में ऑप्शंस क्या है इनकम कमाने के लिए, वही डियर फ्रेंड्स मुलाकात करवाता हूँ। एक ऐसी इंडस्ट्रीज है, एक ऐसे सिस्टम है जहाँ पे आप जाकर के तीनों आप इनकम कर सकते हैं। और मैं डियर फ्रेंड्स जैसे कि उसका नाम लेना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप सभी दोस्तों का हैंड राइज बहुत ही जोरों शोरों से होना चाहिए। ऐसे इंडस्ट्री ऐसे संस्थापक का मैं नाम लेने जा रहा हूँ जिस इंडस्ट्रीज में
आकर के आज जौनपुर कम से कम समय में डीएफएनएस एक से डेढ़ साल दो साल के अंदर लोग यहाँ पे जज्बे कायम कर रहे हैं और अपना एक अलग पहचान बना रहे हैं और अपने हर एक सपने को यहाँ पे साकार कर रहे हैं। मैं बड़े जोर और शोर के साथ में यहाँ पे उस इंडस्ट्रीज का नाम लेना चाहूंगा, इंडस्ट्रीज का नाम है डीएफएनएस ब्यूटेक इंपोर्टेक प्राइवेट लिमिटेड, जो की बहुत ही शानदार बहुत ही अमेजिंग इंडस्ट्रीज है और वाकई में बात की जाए लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। क्या साबित हो रही है? वरदान साबित हो रही है। यहाँ से आप ये तीनों प्रकार के आप इनकम कर सकते हैं। आइए आपको मिलाता हूँ वो इनकम आप कैसे कैसे और किस तरीके से यहाँ पे आप करते हैं, राइट। तो सिस्टम का नाम है डियर फ्रेंड्स ब्यूटेक इंपोर्टेक प्राइवेट लिमिटेड। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, इसका टैगलाइन है डियर फ्रेंड्स ब्यूटेक का टैगलाइन है ड्रीम कम ट्रू, सपने दिखाए ही नहीं ओनली फॉर, सपने दिखाए ही नहीं जाते हैं पूरे किए भी जाते हैं। क्या? सपने दिखाए ही नहीं जाते हैं पूरे किए भी जाते हैं। अब आगे हम बात करने वाले डियर फ्रेंड्स यहाँ पे, सबसे पहले आइए हम जानते हैं ब्यूटेक बिजनेस में कैसे तीनों प्रकार की इनकम कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं यूके के अंदर में जो तीनों प्रकार की इनकम है, लीडर इनकम, लेवरेज इनकम और रॉयल्टी इनकम, ये तीनों प्रकार की इनकम हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। मैं आपके दोस्तों को सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा लीनियर इनकम से लेकर कि आप यहाँ पे लीनियर इनकम कैसे कर सकते हैं। कौन सा इनकम? लीनियर इनकम। चलिए अगला स्लाइड में हम बात करते हैं, अगले स्लाइड में हम जानते हैं लीनियर इनकम होता क्या है, कैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स लीनियर इनकम करने के लिए आपको यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं एक्टिव इनकम, कौन सा इनकम? एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम करने के लिए आपको यहाँ पे बिजनेस मिला हुआ है, ऑलरेडी सभी दोस्त यहाँ पे बिजनेस प्लान ऑलरेडी देख चुके हैं, तो सभी दोस्तों को ऑलरेडी पता है कि पर रेफर करने पर हमको 200 रुपए का कमीशन आता है टीडीएस काट करके, 190 रुपए हमारे वॉलेट में तुरंत के तुरंत क्रेडिट कर दिया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ ये लीनियर इनकम के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, आप जितना ज्यादा यहाँ पे मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे डियर फ्रेंड्स, उतना ज्यादा आप यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप यहाँ पे समय देंगे डियर फ्रेंड्स, जितना ज्यादा अपने टैलेंट को बेचेंगे, उतना ज्यादा आप यहाँ पे लीनियर इनकम कर सकते हैं। ये खुद की मेहनत की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इस तरीके से आप लीनियर इनकम आप कर सकते हैं, पर व्यक्ति को रेफर करने पर आपको यहाँ पे 200 रुपए का कमीशन आएगा। आप पूरे दिन मेहनत करके आप 200 रुपए आप पर रेफर पे आप कमा सकते हैं। कितना कमाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप यहाँ से लीनियर इनकम आप कमा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मौका मिला हुआ है डियर फ्रेंड्स आपको लीनियर इनकम कमाने का। अब आइए हम बड़ी इनकम के ऊपर में हम बात करते हैं, लेवरेज इनकम के ऊपर में हम बात करते हैं, लेवरेज इनकम हम कैसे कमा सकते हैं। तो अगले स्लाइड में हम समझते हैं डियर फ्रेंड्स लेवरेज इनकम कमाने के लिए हमको करना क्या होगा। डियर फ्रेंड्स लेवरेज इनकम कमाने के लिए प्रोसेस है, यहाँ पे एक प्रोसेस, उस प्रोसेस को आपको गुजरना होगा। लेवरेज इनकम कमाने के लिए डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सबसे पहले सिस्टम को सीखना होगा। आपने खुद रेफर किए, आपने पैसे कमाए, इसके बाद में अगर आप वही टीम जनरेट करते जाते हैं, वही डुप्लीकेशन अपने नीचे में आप कराते जाते हैं कि भाई अगर आपको भी कमाना है, लोगों को थोड़ी सी जानकारी आप बेहतर से देते हैं और उनको बताते जाते हैं कि अगर आप किस तरीके से पैसा कमाना है, तो आप लोगों को प्रमोट करके, लोगों को सिखा करके, लोगों को बेहतर बता करके आप यहाँ पे बढ़िया तरीके से आप लेवरेज इनकम कमा सकते हैं। अब लेवरेज इनकम आने वाला कैसा है कि मैं एक एग्जांपल माना कि मेरा नाम राम है और मैंने काम क्या किया, आप यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे बातों को आप समझिए, परसेंटेज भी आप देख सकते हैं, कमाई हमारे पास बहुत ही कम है। और मैं परसेंटेज के बारे में बता देता हूँ कि पहले लेवल में आपको 40% मतलब 200 रुपए, सेकंड लेवल में 8% मतलब 40 रुपए, थर्ड लेवल में 4% मतलब 20 रुपए, फोर्थ लेवल में 2% 10 रुपए, पांचवें लेवल से लेकर के 10वें लेवल तक पर लेवल में 1% मतलब 5 रुपए कमीशन आपको आता है, राइट। अब यहाँ पे डियर फ्रेंड्स आपको लेवरेज इनकम कैसे आने वाला है, मैंने बताया कि मेरा नाम राम है और मैं क्या काम करता हूँ, मैंने अपने अकेले ही इस बिजनेस पे स्टार्टअप किया है, मेरा ओनली फॉर इतना ही काम दिया गया था, मेरा बैंक के माध्यम से सिखाया गया था, बताया गया था कि आपको लेवरेज इनकम करना है, तो आपको एक बार आपको टीम जनरेट करनी होगी। अब वो टीम आप कैसे करके आप जनरेट कर सकते हैं, ओनली फॉर 5 लोग या 10 लोगों को आपको प्लान दिखाना होगा, 15 लोगों को आपको प्लान दिखाना होगा और उनको बताने के बाद में, बिजनेस में लाने के बाद में 5 लोगों को आपको सिखाना है, पढ़ाना है, बताना है, 5 लोगों के साथ में आपको चलना है, ज्यादा कुछ लेकर नहीं चलना, ओनली फॉर 5 लोग दुनिया के अंदर में आपको कहीं भी मिल जाएंगे, 5 लोगों के रेशियो से अगर आप 10 महीने तक यहाँ पे आप काम करते हैं, तो वाकई मैं बताना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में आप बहुत बड़ी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। अपलाइन के बताए हुए नक्शे कदम पे मैंने काम किया, अपलाइन के बताए हुए नक्शे कदम पे मैंने काम किया, मैं अकेला काम तो किया, मैंने ब्रॉन्ज बना, 15 लोगों का टीम क्रिएट किया, लेकिन उसमें ओनली फॉर 5 ही लोग निकले, हम 5 ही का टारगेट लेकर चलते हैं, 5 लोग ही निकले और वो 5 लोग ही आईडी एक्टिवेट किए डायरेक्टर्स। अगर आप यहाँ लेवल में लेते हैं तो आपको 5 के 5 व्यक्ति से आपको पर व्यक्ति से 200 रुपए कमीशन आ जाएगा, मतलब आपकी इनकम या फिर मेरी इनकम की अगर मैं बात करूँ तो 1000 रुपए की मेरी इनकम हो जाती है, राइट। अब यही सिलसिला मैं अपने नीचे में भी डुप्लीकेट कराता जाऊंगा, यही सिलसिला मैंने काम ओनली फॉर एक बार किया, मैं अभी खुद काम किया, अब यही सिलसिला मैं बोलूंगा कि आप डुप्लीकेट करते जाइए, राइट। अब ये 5 लोग डीएफएस 5-5 ही करते हैं तो 25 लोगों की टीम हो जाती है, जहां पर मुझे 1000 लोगों 1000 रुपए की उनकी काम करने से, अब मैं काम करना बंद कर चुका हूँ, ओनली फॉर एक बार मैंने मेहनत किया, लेकिन जो मेरे साथ में जो 5 लोग आए हुए थे वो काम करना स्टार्ट करते हैं और 5 लोग 5-5 लोगों को प्लान दिखाते हैं, 5-5 लोगों को अपने साथ में लेकर के आते हैं और वो 5-5 लोग अगर लेकर के आते हैं डियर फ्रेंड्स तो 25 लोगों की टीम हो जाती है और वो 25 के 25 लोगों से मुझे 1000 रुपए का इनकम होता है। मैंने काम अभी नहीं किया, ओनली फॉर शुरुआत में मैंने काम किया था। यहाँ पे दूसरी बार डियर फ्रेंड्स अगला मंथ आता है, यहाँ पे थर्ड मंथ की हम बात करें, थर्ड मंथ में वही 5 लोग वो 25 लोग
वो 25 लोग पांच पांच को प्लान दिखाना स्टार्ट करते हैं, 125 लोगों की टीम हो जाती है और 125 लोगों से मुझे पर पर्सन से 20 रुपए कमीशन आता है, मतलब 2500 रुपए की थर्ड महीने की इनकम होती है। फोर्थ महीने ये इनकम मुझे आ रहा है, काम नीचे वाले कर रहे हैं, क्योंकि मैं लेवरेज इनकम पे मैं बात कर रहा हूँ। किस पे बात कर रहा हूँ? लेवरेज इनकम, मतलब काम आपको ओनली फॉर एक बार करना है, फैक्ट्री एक बार बनाना है। फैक्ट्री मैंने स्टार्टअप करके कर चुका था, लेकिन अब इनकम मुझे पर मंथ आएगा, हर रोज आएगा, राइट। यही इनकम आज फ्रेंड्स, आज आप देख पाते होंगे हमारे डायमंड का, हमारे कोहनूर का, लोगों के पास में 30-35-35-36-36 हजार रुपए का पर डे का इनकम उनके पर उनका बनता है। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट्री खड़े कर चुके हैं, मिस्टर राम की तरह में नहीं, मिस्टर बजाज की तरह में पैसे कमाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका सिलसिला बढ़ता जाएगा। 5-25-125-125-3000-125-15000-625-78000-125। तो ये सिलसिला डियर फ्रेंड्स इस तरीके से बढ़ता जाएगा आपको, और आप देख पाएंगे कि आपके पास टीम साइज ओनली फॉर 10 महीने, मैच मैच पर 10 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, 10 महीने के अंदर में अगर यही सिलसिला 100% काम कर जाता है तो 10 महीने के अंदर में आप देख पाएंगे 1,22,07,030 लोगों का आपका टीम जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा आपके नेटवर्क में। आप इतने बड़ी फैक्ट्री के आप मालिक बन चुके हैं कि जहां पे आप 1,22,07,030 लोगों का आपके पास में 30 लोग आपके पास में काम करने वाले हैं। आपका फैक्ट्री ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, यहां पे आपको मिस्टर बजाज बनने का मौका मिला है। 1,000-2,000 आप लाख लोगों को अपने साथ मिलाकर फैक्ट्री खड़ा कर सकते हैं ओनली फॉर 10 महीने के अंदर में। और अगर मैं इनकम की मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो ये पूरा इनकम यहां पे आपको 10 महीने के अंदर में आप यहाँ पे कर सकते हैं, फैक्ट्री क्रिएट करके 6,10,42,000 रुपए का आप यहाँ पे इनकम आप कर सकते हैं। कितने का? 6,10,42,000 रुपए का आप इनकम कर सकते हैं, और ऑलरेडी आपका फैक्ट्री क्रिएट हो चुका है, अभी खत्म होने वाला नहीं है। जब जब लोग काम करेंगे, आप काम करें तो ना करें, दिल्ली, भोपाल, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, जहां भी आपको घूमना है डिफरेंट, आप अपने ट्रेवल्स कर सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन आप नीचे में लोग काम करने वाले, आपको पैसा आएगा। आप सो रहे सोएंगे तो भी आपको पैसा आएगा, आप जागेंगे तो भी आपको पैसा आएगा, आप रहेंगे तो भी आपको पैसा आएगा, आप नहीं रहेंगे तो भी आपको पैसा आएगा, क्योंकि आपने फैक्ट्री खड़ा करके जा रहे हैं। ये होता है डियर फ्रेंड्स लीनियर इनकम। ये सिस्टम में आपको इनकम करने का भी मौका देता है, जहां से आप लीनियर इनकम कर सकते हैं बाहर में, जहां पे आपको डियर फ्रेंड्स मैंने बताया था कि काफी सारी चीजों की वहां पे जरूरत पड़ती है। आपको अगर वो लागतें नहीं है तो आप ओनली फॉर 590 रुपीज लगा करके इस प्लान को अगर स्टार्ट कर चुके हैं, इतनी बड़ी इतनी शानदार स्टार्टअप में, इतने शानदार प्लान में डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे तीन प्रकार की इनकम करने का मौका मिल रहा है। वह तीनों प्रकार के आप यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। पहला मैंने बताया जो दुनिया के अंदर में इनकम होती है, अदरवाइज इनकम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो दुनिया में इनकम करते हैं लीनियर इनकम, दूसरा लेवरेज इनकम, और तीसरा होता है डियर फ्रेंड्स रॉयल्टी इनकम, राइट। आई होप कि आपको स्लाइड आपको समझ में आया होगा। अगले स्लाइड से हम बात करते हैं, यहाँ पे अगले स्लाइड समझते हैं डियर फ्रेंड्स, और अगले स्लाइड में हम बात करेंगे यहाँ पे रॉयल्टी इनकम हम कैसे ले सकते हैं। सर समझ में तो आ रहा है कि मैं यहाँ पे लीनियर इनकम कमा सकता हूँ, लेवरेज इनकम कमा सकता हूँ, लेकिन रॉयल्टी इनकम कैसे ले सकते हैं, राइट। तो अगले स्लाइड में डियर फ्रेंड्स, अगले स्लाइड में आप सभी दोस्तों को मैं लेकर चलता हूँ, और मैं बताता हूँ कि रॉयल्टी इनकम जो सिस्टम में, अगर सिस्टम के हम बाहर की हम बात करें तो वहां पर रॉयल्टी इनकम कमाने के लिए लोगों को साइंटिस्ट बनना पड़ता है, लेखक बनना पड़ता है, बहुत सारे वहां पे लोगों को बनना पड़ता है, जब जाकर वहां पे लोग सेलिब्रिटी बनना पड़ता है, जब जाकर लोग वहां पे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे यूट्यूब के अंदर में कहीं ना कहीं डियर फ्रेंड्स मुझे रॉयल्टी इनकम कमाना है, तो मुझे लेना क्या होगा, मुझे करना क्या होगा, तो मैं आप दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा। डियर फ्रेंड्स रॉयल्टी इनकम कमाना होगा तो आपकी रॉयल्टी इनकम यहाँ पे स्टार्टअप हो जाती है, इस बिजनेस के सेकंड लेवल से आपको रॉयल्टी इनकम स्टार्टअप हो जाती है, जहां पे आपके सेकंड लेवल में 5 जैसे कि ब्रॉन्ज के बराबर आपका बिजनेस होता है तो आप बन जाते हैं डियर फ्रेंड्स, 5 ब्रॉन्ज के बराबर आपका बिजनेस होता है तो आप बन जाते हैं सिल्वर, और सिल्वर बनने के बाद में आपको कंपनी टर्नओवर का 1% रॉयल्टी एवरीडे आपको आना स्टार्ट हो जाता है। कितना परसेंट? 1%, राइट। यहां पे आने के बाद में डियर फ्रेंड्स आप रॉयल्टी इनकम भी ले सकते हैं, रॉयल्टी इनकम भी आप कमा सकते हैं। जो बाहर की दुनिया में बात करें तो लोगों को रॉयल्टी इनकम कमाने का मौका नहीं मिलता, बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिन्हें रॉयल्टी इनकम कमाने का मौका मिलता है। आगे हम बात करते हैं, आगे यहाँ पे हम समझते हैं डियर फ्रेंड्स हम और भी रॉयल्टी इनकम यहाँ पे कैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड लेवल में जैसे कि आपका बिजनेस की मैं बात करूं, आपके पास में 5 सिल्वर के बराबर बिजनेस होता है तो आप बन जाते हैं गोल्ड, और आपको 1% रॉयल्टी आ रहा था यहाँ पे, और आपको मल्टीपल मतलब कि जुड़कर के यहाँ पे इनकम आता है, आपको रॉयल्टी इनकम जो होती है जुड़कर के आता है, तो 1% तो आ ही रहा था, लेकिन यहाँ पे आप जैसे गोल्ड बनते हैं डियर फ्रेंड्स, गोल्ड बनने के बाद में आपको 1.50% और भी आपको यहाँ पे रॉयल्टी आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब अगर पूरा बात करूं तो आपको 2.5% रॉयल्टी पर डे का आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अगले हम बात करते हैं फोर्थ लेवल में आपको इक्वल टू बीबी गोल्ड, मतलब कि 5 गोल्ड के बराबर आपका बिजनेस होता है तो आप बन जाते हैं डियर फ्रेंड्स प्लेटिनम, और प्लेटिनम बनने के बाद में आपको 1.75% रॉयल्टी और आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। इसके बाद डियर फ्रेंड्स फिफ्थ लेवल होता है, फिफ्थ लेवल में जैसे कि आपके पास में 5 प्लेटिनम के बराबर आपका बिजनेस जाता है तो आप बन जाते हैं डायमंड, और डायमंड बनने के बाद में आपको पर डे 2% और एक्स्ट्रा रॉयल्टी आना स्टार्ट होता है। इसके बाद में डियर फ्रेंड्स सिक्स लेवल में
भी यहाँ पे इक्वल करना होगा, 5 डायमंड के बराबर आपको अपना बिजनेस लेवल में देना होगा और आप बन जाते हैं डियर फ्रेंड्स कोहनूर। यहाँ पे रॉयल स्टार लिखा हुआ है, बाकी आप बन जाते हैं कोहनूर और कोहनूर बनने के बाद में आपको 1.5% रॉयल्टी पर डियाना स्टार हो जाता है, राइट। अगर इसको हम जोड़ा जाए डियर फ्रेंड्स, तो आप महज बहुत बड़ी रॉयल्टी आप यहाँ पे ले सकते हैं। रॉयल्टी अगर बात करें हम, तो आज रॉयल्टी यहाँ पे इनकम डियर फ्रेंड्स 30,000 प्लस आज लोग यहाँ पे पर डे सोने का पैसा कमाते हैं। कोहनूर, एक कोहनूर की मैं बात करूं, सोते सोते डियर फ्रेंड्स 30,000 से प्लस से इनकम रॉयल्टी इनकम आ जाता है, इनकम आप यहां पे आपको कमाने का मौका मिलता है और आप यहां से आप कमा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से डियर फ्रेंड्स आप तीनों के तीनों इनकम ओनली फॉर यूटेक सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं। प्लान आपको बहुत ही छोटा लग रहा होगा डियर फ्रेंड्स, लेकिन वाकई में बताना चाहूंगा जो व्यक्ति इसको समझना स्टार्ट कर दे अपना पूरा फ्यूचर अपना पूरा कैरियर सेटअप कर सकता है, अपने कैरियर में इतना पैसा कमा सकता है जितना पैसा बाहर के क्षेत्र में वो कमाई कहीं से भी शायद मुमकिन नहीं है उतना पैसा कमाना, वो सारे पैसा वो सारी चीजें यहाँ से अचीव कर सकता है। तो डियर फ्रेंड्स बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, और आगे हम समझते हैं कि अगर हमको ये रॉयल्टी इनकम कमाना है, ये सब चीजें इनकम लेना है यूटेक के अंदर से, तो कहीं ना कहीं हमें करना क्या होगा। अब सर प्लान तो बहुत मतलब कि आपने जो सेशन रखा सर बहुत ही शानदार रहा, लेकिन मुझे जानकारी बहुत है कि मुझे करना क्या होगा सभी प्रकार की इनकम को लेने के लिए मुझे करना क्या होगा। तो आइए हम जानते हैं डियर फ्रेंड्स इसको करना क्या होगा। अगर आप वाकई में इनकम को यूटेक से जो आपको इनकम बताया गया तीनों प्रकार का इनकम लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, मैं बताना चाहूंगा यूटेक में करने के लिए क्या है, क्या क्या करना चाहिए। अगर ये तीनों इनकम हमको लेना है तो क्या क्या करना चाहिए, राइट। आइए हम बात करते हैं, पहला काम आपको करना होगा डियर फ्रेंड्स, काम तो आपको हर जगह करना होगा। पहला काम आपको करना होगा कि आप पहला चीज आपके पास में जो होना चाहिए वो होना चाहिए डियर फ्रेंड्स एक एंड्रॉइड फोन आपके पास में होना चाहिए। कौन सा फोन? एंड्रॉइड फोन। कौन सा फोन? एंड्रॉइड फोन। बाकी लोगों के पास में एप्पल वगैरह का भी होता है, आईफोन वो भी है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो आपके पास में एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए। दूसरा आपके पास में डियर फ्रेंड्स 590 रुपये होना चाहिए। कितना रुपए? 590 रुपए। एक आप छोटी अमाउंट से भी आप बड़ी शुरुआत आप कर सकते हैं, ओनली फॉर छोटा इन्वेस्टमेंट आप बड़ा बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आपके पास में होना चाहिए डियर फ्रेंड्स यहाँ पे तीसरा जो आपके पास में होना चाहिए पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं ये गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है, अदरवाइज बिना डॉक्यूमेंट्स के आप इस बिजनेस को आप नहीं कर सकते, राइट। तो आपके पास में प्रोफेशनल तरीके से पैन कार्ड होना चाहिए। फोर्थ जो होना चाहिए डियर फ्रेंड्स आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड भी बहुत ही जरूरी है अनिवार्य है, राइट। फिफ्थ जो होना चाहिए डियर फ्रेंड्स आपके पास में बहुत ही जरूरी है, ये सब सामग्री होने के बाद में भी आप इस बिजनेस में आप अचूक चूक जाएंगे वो होना चाहिए डियर फ्रेंड्स सीखने की भूख। आज मेरे साथ में से काफी सारे दोस्त हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं जिन तक मेरी आवाज जा पा रही है, मोबाइल को रख दिए साइड में और उन्हीं को सुन रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स सीखने की भूख होना चाहिए, जैसे कि सम्मान योगेश ने स्टार्टिंग में ही आपसे बताया कि आज अगर आज इस रैंक पे मैं काम कर रहा हूँ तो इसका रीजन सबसे मेन चीज ये रहा कि मैं इस सिस्टम को इस बिजनेस को शुरुआत से मैंने सीख दिया है और सीखा जिसकी वजह से आज मैं प्लेटिनम रैंक पे काम कर रहा हूँ और आप सभी दोस्तों के बीच में बात कर पा रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स पैसा वही कमाता है जिसके पास में सीखने की भूख होती है, तो आपके पास में सीखने की भूख भी होना चाहिए अगर इनकम आपको करना है। अगला डियर फ्रेंड्स फतवा होना चाहिए पैसे कमाने की ललक, भाई आपके अंदर में इच्छाएं ही नहीं है मुझे पैसा कमाना, मुझे मेरे पास अच्छी गाड़ी होना चाहिए, मेरे पास अच्छा खाना होना चाहिए, तो आप नहीं कर सकते, है ना। ये चीजें डियर फ्रेंड्स अगर आपके पास में है तो ये आपका वेलकम है, बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है, आपका भी वेलकम है और आप यहाँ पे तीनों प्रकार के आप इनकम कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी दोस्तों को मजा आ रहा होगा, बाकी हम आगे चलते हैं और आगे मैं बात करना चाहूंगा और आज का सेशन मेरा यहीं तक था और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर का कि मुझे सर आज के सेशन में बात करने का मौका दिए। आगे मैं एक शायरी के माध्यम से अपनी वाणी को वेंड अप करना चाहूंगा और इस क्लास मतलब कि अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। कहते हैं ये बहुत ही शानदार शायरी है, कहते हैं डियर फ्रेंड्स मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, ये चीजें जो बताया जा रही पाना असंभव नहीं है, संभव है लेकिन थोड़ी सी मेहनत करना होगा। लोग जब यहाँ पे इस शिखर पे चलकर डियर फ्रेंड्स कोहनूर बन सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो हर वह व्यक्ति कर सकता है जो सपना देखता है, राइट। तो डियर फ्रेंड्स कहना है कि मुश्किल दुनिया में कुछ भी नहीं है फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। मैंने लिखकर के लाया था कि सभी दोस्तों को दिखाई दे मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं, अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, राइट। चंद शब्दों के साथ में धन्यवाद करना चाहूंगा, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, एंड मेरा ट्रेनिंग यहीं तक और मैं अब अपनी वाणी को वेंड अप करना चाहूंगा। आप सभी दोस्तों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं राम कुमार यादव अपनी वाणी को वेंड अप करना चाहूंगा। तो थैंक यू ऑल द बेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट के, आप सभी दोस्तों ने मुझे लास्ट तक सुना, थैंक यू और ओवर टू यू सम्मान योगेश सर। क्या बात है, बहुत 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 इमेजिंग जबरदस्त सर, बहुत ही लाजवाब सर, लाजवाब सर, लाजवाब जी। राम कुमार सर के लिए सभी कोच पार्टनर
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत 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 जबरदस्त अमेजिंग आपका पेपर रहा और बहुत बहुत धन्यवाद, आप मार्गदर्शन देते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सम्मानी राम कुमार सर, लाजवाब सेशन रहा, जितना तारीफ कर उतना कम है। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा मेरे दोस्त कि हमें करना चाहिए। यस सर, कितने लोगों को समझ में आ गया कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, एक बार हैंड रेस करके मुझे बताएं। जो लोग इस सेशन पे पूरी तरीके से थे उनको तो दोस्तों समझ में आया होगा, और बहुत सारे हमारे को-होस्ट पार्टनर ऐसे भी हैं जो लोग, अच्छी बात है कि आप लोग और भी काम कर रहे हो, लेकिन कम से कम मीटिंग चलते समय आपका ध्यान मीटिंग में होना चाहिए मेरे दोस्त। मीटिंग में ही है सर, मीटिंग में करते सुन रहे हैं, 166 लोग हैं जिनका हैंड राइज है। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए बहुत सारे लोगों का हैंड राइज हो रहा है दोस्तों। आज आपको समझ में आया होगा कि लीनियर इनकम, लिवरेज इनकम और रॉयल्टी इनकम, दोस्तों बाहर की दुनिया में लेवरेज इनकम करने के लिए हमें करोड़ों रुपए की फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, समय होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, रिस्क लेने की क्षमता होना चाहिए, पहुंच होना चाहिए, लोग होना चाहिए, जमीन होना चाहिए, तब जाकर के दोस्तों हम बाहर में लेवरेज इनकम कर सकते हैं। लेकिन हम और आप कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि जिस बिजनेस को हम लोग स्टार्टअप किए हैं दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए ना आपने करोड़ों रुपए यहाँ पे लागत लगाए, ना के बराबर इन्वेस्टमेंट करके दोस्तों आप यहाँ से, यहाँ पर भी आप बजाज की तरह यानी कि टाइम का मल्टीप्लाई करके करोड़ रुपए आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं और कर भी रहे हो, है कि नहीं? तो दोस्तों बहुत ही शानदार और यूनिक कॉन्सेप्ट हमको मिला हुआ है। बाहर में अमीरों के पास में अमीर बनने के लिए हजारों रास्ते हैं दोस्तों, लेकिन गरीबों के पास में अमीर बनने के लिए एक ही रास्ता है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, और वो हमको मिला हुआ है। और सर एक इनकम के बारे में और बात किए थे क्या, रॉयल्टी इनकम के बारे में, कि बाहर में यदि आपको रॉयल्टी इनकम चाहिए तो वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, लेखक बनना पड़ेगा या तो फिर गायक बनना पड़ेगा, और वो दोस्तों फिलहाल वर्तमान में पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में हम लोग सिल्वर बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, प्लेटिनम बन जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं, तो दोस्तों टर्नओवर की पूरी टर्नओवर की रॉयल्टी आ रही है हमको, सोचो। यानी एक बार आपने काम कर दिया उस लेवल तक चले गए और आपको इनकम बार बार आ रहा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं सम्मानी राम कुमार सर को, ऐसे ही हमारे बीच में आते रहे और नई नई ट्रेनिंग हमको देते रहे, बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त सेशन रहा। अब हम सुनेंगे हमारे ग्रेट अपलाइन सर सम्मानी उमेश पाल सर को, तो मैं बुलाना चाहूंगा सर आप आइए सम्मानी उमेश सर, और आज की एनर्जी जरूर आप दिखाए गुरुदेव, स्वागत है आपका जी। सम्मानी उमेश सर जी, सर जी स्वागत है गुरुदेव, स्वागत है सर, स्वागत है आप जी का, स्वागत है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानी राम कुमार यादव जी, क्या बात है, यादव लोग बहुत तेज काम करते हैं, क्या लर्निंग रखते हैं। ओके थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको जिंदगी में जो कामयाबी के लिए आज रूल एंड रेगुलेशन है ना, जो ट्रेनिंग बताई गई है, दुनिया में एक चीज आप इमेजिन किए हो, नोट डाउन किए हो कि नहीं किए हो, ये जितनी भी शायरी बनी हुई है कोई ना कोई ये जिंदगी जिया है तब तो जाके ये बना है, कोई ना कोई हासिल किया है। कोई भी चीज का निर्माण कब होता है, जब कोई इंसान कुछ कर लेता है तभी इतिहास बनता है, जैसे रामायण है कि नहीं, क्यों बना है, क्योंकि वो जिंदगी किसी ने जिया है, है कि नहीं, युद्ध हुआ है तब जा करके बना है। ये जो शायरी है ऐसे ही नहीं है कि बस आ गई होगी, यूं ही आ गई है, नहीं, किसी ने वो संघर्ष किया तब वो चीज बना है कि नहीं। आपको सफलता तब मिलती है जब आप कुछ करते हैं, बिना किए तो बनता ही नहीं है। तो सत्य तो ये है कि जो चीजें आप करते हैं तभी आपका इतिहास बनता है, तभी लिखा जाता है, तभी वो चीजें आती है। दोस्तों जो आज
आप हमारे व्हाट्सएप पे देखते हैं नई नई चीजें, नए नए शब्द, है ना। ये एक दिन में नहीं आता है, हर दिन आपको इस पे एफर्ट करना होता है, सीखना होता है। जब आप ऐसे कर्म करते हैं तब जाकर के आपका नाम बनता है, आपके प्रति शायरी फिर बनती है, तब जाकर के आपका नाम होता है। तो दोस्तों, अगर अपना कल आपको आसान करना है तो आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पॉइंट इज नोटेड। अगर आपको कल आसान करना है तो आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। करने के लिए तैयार हैं तो बोलो हाँ। एक स्लाइड आपको दिखाता हूं और इस स्लाइड को आप जा करके, अगर आपके पास सक्षम नहीं है, उतना पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सादा कोरा कागज लीजिएगा और इसको लिखिएगा, और लिख करके आपको उसको कहां लगाना है, वहां लगाना है दोस्तों, जहां आपका आईना लगा होता है। क्या? जहां आप सामने नहा धो करके जब आते हैं, है ना, तो कहां जाते हैं आप? आईने के सामने, है ना, कंघी मारते हैं, क्रीम पाउडर दुनियादारी करते हैं, है कि नहीं। वही ये चीज आपको स्लाइड को एक कोरा कागज में बढ़िया से लिख लेना है। जिंदगी में दोस्तों क्या करना है उसको कम सीखना होता है, लेकिन क्या नहीं करना होता है उसे ज्यादा सीखना होता है। उस पर ज्यादा कमिटमेंट होना है आपको कि क्या नहीं करना है, क्या करना है। आप अगर उसको 50% भी आता है तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं करना है ये 100% फॉलो करना पड़ेगा। हेलो, यही है बात, समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ, बाकी सब लोग छुट्टी पे चले गए। एक स्लाइड आपको देता हूँ बोनस में। बोनस दे रहा हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ आपको, लेके जाइएगा साहब। तैयार है, आई एम रेडी। आपके लिए ये शायद आपको दिखेगा कम यार, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, है ना, धुंधला है। अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है तो इन शब्दों को बदलें। किन शब्दों को? एक राइट साइड में एक जो कोरा कागज आप लेंगे और लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं, है ना, राइट साइड में ये लिखना है कि क्या नहीं करना है, लेफ्ट साइड में ये लिखना है कि क्या नहीं करना है, और राइट साइड में ये लिखना है कि क्या करना है। दिखाई लेफ्ट साइड में आपके दिख रहा है, ये 90% लोग इसी बिहेवियर का सोचते हैं और इसी को आकर्षित करते हैं। क्योंकि देखिए, आकर्षण का सिद्धांत मैंने कल भी बताया था, चार प्रकार होते हैं, है ना, क्या क्या, किस किस चीज से आप चीजों को आकर्षित करते हैं, कैसे कैसे आकर्षित करते हैं। पहला तो आप सोच के आकर्षित करते हैं, आप दिन भर क्या सोच रहे हैं उससे चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, आकर्षित करते हैं। दूसरा, आप देख करके आकर्षित करते हैं। कैसे? देख करके, जो चीजें आप देखते हैं उससे आप चीजों को आकर्षित करते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, आप किस चीज से आकर्षित करते हैं, पहला क्या हो गया सोच के, दूसरा क्या हो गया देख के, है ना, और तीसरा पॉइंट हो गया माहौल से, कौन से माहौल से में आप रहते हैं, उस माहौल से भी बहुत सारी चीजें हम आकर्षित करते हैं। जैसे आम इंसान का जो बोलना होता है क्या है, मैं देर नहीं चाहता हूं, मैं देरी नहीं चाहता हूं, कहीं जाना चाहते हो, है ना, लेकिन ज्यादातर आकर्षित क्या कर रहे होते हैं। अब फिर उनके साथ घटित क्या होता है कि आज ही ट्रैफिक लगना था, है कि नहीं, ये जाम आज ही होना था, मेरे ही साथ होना। अरे इसकी वजह आपको क्या बोलना है, लिखा है मैं जल्दी पहुंच सकता हूं, मैं जल्दी पहुंच सकता हूं, वजह ये कि मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाता हूं, ये ना बोल करके ये बोला जा सकता है ना यार,
क्योंकि आप खाली बोलने देने से तो नहीं पहुंचोगे, तो फिर हमें कौन शब्द का प्रयोग करना चाहिए? मैं जल्दी पहुंच सकता हूं। दूसरा क्या लिखा है यहां, जो नहीं करना है तो टाइम तो है ना आपके पास, मेरे को जल्दी समझाना पड़ेगा, मैं घंटा बात कर सकता हूं। तो दूसरा आपको क्या नहीं करना है कि मैं असफल नहीं होना चाहता। इस ये चीज बोलने से अच्छा है कि आप ये बोलो कि मैं आसानी से पास हो सकता हूं या सफल हो सकता हूं। ये इस जो बोलते हो वही तो हम आकर्षित करते हैं, जो हम बोलते हैं वही। अगर आप ये नहीं बोलना है आपको कि मैं असफल नहीं होना चाहता, आपको शब्दों को संभाल के बोलना है। कहते हैं ना, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पैर, एक शब्द औषधि बने एक शब्द करे घाव। तो ये शब्दों का ही कमाल है। ब्रूस ली को कितने लोग जानते हैं? शायद सभी लोग वो जानते हैं, नाम सुने हैं, बहुत सारे लोग उसके फैन हैं। वो क्या कहते हैं कि मजाक में भी अपने जीवन में आप कभी नेगेटिव वर्ड का उपयोग ना करें, क्योंकि नेगेटिव वर्ड का आपके जीवन में जैसे एक ड्रम पानी में एक बूंद जहर का काम करता है। क्योंकि अच्छी आदतें हमें लगानी पड़ती है, बुरी ऑटोमेटिक लग जाती है ना। तीसरा, मैं नकारात्मक नहीं चाहता हूं। इसकी बजाय आपको क्या बोलना है, मैं और अधिक सकारात्मक होना चाहता हूं, और अधिक सकारात्मक होना चाहता हूं। इन स्लाइड को सामने लिख करके रख लीजिए, इसको पढ़ करके ही दिनचर्या का शुरुआत करें, जिंदगी बदल जाएगी साहब। मैं उदास महसूस कर रहा हूं, इसमें आप क्या बोल सकते हो, मैं रिचार्ज हो रहा हूं। वाओ, क्या बात है, क्या शब्द है। इसकी जगह में आप क्या शब्द रख सकते हैं, फील कर सकते हैं, थोड़ी सी एकांत में जाके बैठ करके महसूस करें कि आप रिचार्ज हो रहे हैं। मेरा स्वभाव बहुत खराब है, इसकी बजाय आप कौन सा शब्द उपयोग कर सकते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूं। जैसे बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में होते हैं, और यह कि बहुत सारे लोगों का सर दर्द है तो क्या बोलते हैं, तो ज्यादातर क्या आकर्षित करते हैं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है यार, आज मेरे को फीवर लग रहा है, ये वो। इससे अच्छा है कि आप ये चीज, क्योंकि देखो आपके बोलने से तो आप ठीक हो नहीं रहे हो, यस और नो। तो हम जो बोल रहे हैं वही तो आकर्षित कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कुदरत हमें कोई भी चीज देती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लौटाती है। तो जो आप ज्यादा से ज्यादा दे रहे होते हैं वही तो लौट के आता है, चाहे वो गाली हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो सम्मान हो, एक सवाई जेट कुछ भी। आपका ध्यान इधर ही है, मैं इस पे एक घंटा निकाल सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, इसकी बजाय आप ये बोल सकते हो कि क्या मेरे पास पैसे कमाने के जगह है, मेरे पास पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है, ये बोल सकते हो। ये नहीं बोलना है कि मेरे पास पैसे नहीं है, है ना। मैं विफल हूं, इसकी जगह आप क्या बोल सकते हैं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं दुखी नहीं होना चाहता। वहां आप क्या बोल सकते हो, मुझे खुश रहना है। ये स्लाइड वाकई में जीवन पे उतार लो तो ये यही चीजें हैं जो अमीर लोगों ने फॉलो किए हैं, जिसकी वजह से वो अमीर बने हैं। तो तैयार हैं सभी लोग? यस सर। तो आइए अब चलेंगे एनर्जी की तरफ, जहां आपका है ना तेजी के साथ मैंने क्या भी बताया है ना, आज फिर लेके जाइएगा, आज फिर लेके जाइएगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा ग्रोथ और बहुत बड़ी ज्वाइनिंग आने वाली है। लेवल स्टेटस है ना, पूरे भारत से ये देख पा रहे होंगे कितनी सारी ज्वाइनिंग बढ़ती जा रही है। 4,83,675
आपको करना क्या, जबरदस्त आपको अपनी ज्वाइनिंग बढ़ाने के लिए ये इसको इस्तेमाल करना है, लेके जाना है कि नहीं, और यहाँ क्या डालना है, ये आईडी डालना दोस्तों 69513, सर्च करना, हर मिनट बढ़ेगा, रिफ्रेश करना हर मिनट बढ़ेगा और लोग देख के ज्वाइनिंग करेगा, ठीक है। लेकिन जब भी ज्वाइनिंग कराना, ये आईडी को सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेश करने के लिए आपको यूज करना है, रिस्पॉन्स और अपना डालना है, इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। आइए लेके चलते हैं सर, कहां, पासबुक में, और शो पे क्लिक करेंगे, निकल के आएगा आपके नजरों के सामने क्या, हेलो, आपके नजरों के सामने क्या आएगा, निकल के देख सकते हैं। क्या बात है, जबरदस्त सर, जबरदस्त, 6487, गजब, बधाइयो सर, बधाइयो। और ये देखो टीम, यानी लीडरशिप बोनस, है कि नहीं, हमको लीडरशिप बोनस देखो प्लैटिनम का भी आया है, डायमंड का भी आया है कि नहीं, प्लैटिनम का भी आया है, डायमंड का भी आया है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मेरे नीचे अब गोल्ड निकल चुके हैं, तो गोल्ड का नहीं आता है ना, वो कभी कभार आता है, लेकिन प्लैटिनम डायमंड का, क्योंकि इतनी लाइन एक्टिव करके रखा हूँ, बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ। ये है पावर दोस्तों। अब बाप रे, ये कितने का प्रोडक्ट खरीदा गया हो, देख रहे हैं, 100 रुपये इकट्ठा ही आ गया है, 8995 का खरीदा गया ये प्रोडक्ट, आप सोच सकते हैं, ये दोस्तों बहुत बड़ा रिजल्ट देगा, ये उन लोगों के लिए है जो फुल टाइमर हैं, क्या है, जो फुल टाइमर हैं, जो लोग अपना 24 घंटा दे रहे हैं, जिनके पास नेटवर्क है, वो बड़ा पैसा कमाएगा, वो बड़ा पैसा कमाएंगे, तो हो गया है दोस्तों आसान, अब आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, नेटवर्क बनाओ, बड़ा पैसा कमाओ। आइए लेके चलते हैं आपके बीच में, 1 तारीख से लेके अभी तक की इनकम, 23 दिन, 22 दिन का नहीं, दिखाई दे रहा है सर, नोटों की गिनती चालू, 4,34,348, बधाइयो सर, कमाल। अब अगले महीने का मेला भी नजदीक आ रहा है, हेलो, अगले महीना का मेला भी अब नजदीक आ रहा है, तो दोस्तों लगे जबरदस्त तरीके से, है ना कमाल। आइए रिफ्रेश करके देखते हैं, बढ़ गया, चालू हो गया है, जबरदस्त, अब लग रहा है, बढ़ गया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके फायदेमंद के लिए बहुत काम आएगा, इस्तेमाल करो ये टूल्स और खूब आगे बढ़ो, थैंक यू वेरी मच। अब दोस्तों आ गई है बारी जयकारा लगाने की और अपने अपने स्थान में चलने की, शुभ स्थान में, है ना, तो आ जाइए कोहोस्ट अधिकारी के पास सामने, हर हर यूटेक, अरे मन से बोलो भाई, पैसा तभी आएगा, हर हर यूटेक, हर घर यूटेक, हर हर यूटेक, घर घर यूटेक, सिर्फ दो लोग बोल रहे हैं भैया, इन्हीं के पास पैसा आएगा, यस सर, आई एम रेडी, 1 मिनट के लिए तो गो, डायमंड, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों अब राइट टाइम आपसे 6:55 पर, तब तक धुआंधार बल्लेबाजी करना है, नए नए लोगों को ये बिजनेस प्लान पहुंचाना है, उनको
इसके बारे में बताना है, ट्रेंड करना है और सपने पूरा कराना है। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, पूरे भारत में खुशियां बांटते रहें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय यूटेक।